लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑफ एक्सरसाइज सिक्सटीन ए दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज इफ थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस ए ईच अगर तीन सर्कल्स हैं जिनका रेडियस ए है आर ड्रॉन सच दैट ईच टच द अदर टू इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं कि हर एक सर्कल दूसरे को दो को टच कर रहा है देन प्रूव दैट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन देम इज इक्वल टू जो एरिया है उन तीनों सर्कल के बीच का वो कितना है फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है टेकिंग रूट थ्री की वैल्यू हमें वन पॉइंट सेवन थ्री लेनी है और पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लेनी है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं देखिए ये हमारे तीन सर्कल्स हैं जिनका ये सेंटर है ए बी सी और वो कह रहा है हर एक सर्कल का रेडियस जो है वो ए है तो इसका मतलब ये वाला रेडियस ए है ये भी ए है राइट और ये जॉइन कर रही हूँ इसका मतलब ये रेडियस ए है ये भी ए है ये भी ए हुआ ये भी ए हुआ ये सब ए ए आ गया रेडियस राइट right? और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ये जो एरिया है जो तीनों सर्कल टच कर रहे हैं के बीच का जो एरिया है वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए रेडियस दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है हमें जो कि तीनों सर्कल का रेडियस है दैट इज़ ए यूनिट राइट और हमारी साइड अब हमने ए बी ज्वाइन कर दी है ए बी कितनी आई ए प्लस ए हो गई दैट इज़ टू यूनिट इसी तरीके से बी सी कितनी आई वो भी ए प्लस ए आई दैट इज़ टू यूनिट और सी ए की बात करें तो वो भी ए प्लस ए आई दैट इज टू ए यूनिट सारी साइड इक्वल हो गई ए बी इक्वल हो गई बी सी के बी सी इक्वल हो गई सी ए के कितनी टू ए यूनिट तो इसका मतलब जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हैंस ट्राइंगल क्या हो गया ए बी सी ट्राइंगल हमारा क्या हो गया इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया इक्वी जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारा क्या बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है अब अगर हम एरिया निकालें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कितना होता है दैट इज रूट थ्री अपॉन फोर इन साइड का स्क्वायर तो रूट थ्री की वैल्यू वो कह रहा है क्वेश्चन में वन पॉइंट सेवन थ्री लेनी है अपॉन फोर साइड कितनी है टू ए का होल स्क्वायर तो ये आया 1.73 पॉइंट सेवन थ्री इंटू टू टू ज फोर ए स्क्वायर अपॉन फोर फोर से फोर कैंसिल हुआ तो एरिया कितना आ गया दैट इज़ 1.73 पॉइंट सेवन थ्री ए स्क्वायर आ गया हमारा एरिया स्क्वायर यूनिट राइट अब हमें ये एरिया निकालने के लिए देखिए अब हमें ये एरिया निकालने के लिए सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा तीनों सेक्टर्स का तो हम एरिया निकाल लेते एरिया ऑफ वन सेक्टर कितना हुआ दैट इज हमारा फॉर्मूला होता है पाए स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सिक्सटी अब पाए की वैल्यू उसने कहा 3.14 लेनी है आर कितना था ए इंटू ए हो गया थीटा कितना होगा देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा हमें पता है 60 डिग्री का होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60-60 डिग्री 60 के होते हैं तो 60 अपॉन 360 तो ये कितना आ गया जीरो से जीरो कैंसिल हुआ सिक्स सिक्स 36 थर्टी सिक्स पॉइंट हटाया दो ज़ीरोज़ लग गए नाउ टू थ्री ज़ा सिक्स टू वन जो टू टू फाइव ज टन टू सेवन ज फोर्टीन यही आएगा बस आगे देखिए ये क्या लिख देंगे हम ये आ गया हमारा वन फिफ्टी सेवन अपॉन थ्री हंड्रेड ए स्क्वायर हमारा एरिया आ गया ऑफ वन सेक्टर स्क्वायर यूनिट राइट तो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स क्या होगा थ्री सेक्टर्स का मतलब है वन टू थ्री सेक्टर राइट तो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर आप कहेंगे मैंने ये वन सेक्टर में डिवाइड क्यों नहीं किया क्योंकि हमें थ्री सेक्टर का एरिया निकालना था और वहाँ पे थ्री का सेक्टर का मतलब एक सेक्टर के एरिया से मल्टीप्लाई करना तो ये आ गया थ्री हंड्रेड ए स्क्वायर तो ये आ गया थ्री वन जी थ्री वन ज थ्री ज़ीरो ज़ीरो तो ये कितना गया? A square square unit आ गया वन पॉइंट फाइव सेवन ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आ गया राइट पॉइंट मतलब हंड्रेड था उसके दो के बाद पॉइंट लगा दिया ये आ गया अब हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स राइट अब एरिया कितना था इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो था 1.73 पॉइंट सेवन थ्री ए स्क्वायर वन ए और थ्री सेक्टर्स का एरिया था 1.57, 1.57 फाइव ए तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर एज इट इज़ 13 में से 7 गया इज 6 6 में से 5 गया इज़ 1 पॉइंट पॉइंट हटाया तो दो जीरोज़ नीचे लग गई आप देखिए फोर फोर ज़ा सिक्सटीन फोर टू ज़ा एट फोर फाइव ज ट्वेंटी तो ये कितना आ गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज़ फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आ गया राइट और हमें क्या प्रूवड करना था यही प्रूफ करना था फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर तो हमारा सेम आ गया है तो हैंस प्रूवड answer。暗色